नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल एयर में। मैं पीएम डीएनए सिंह आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही बढ़िया सी न्यूज़। यहां पे भारत नेपाल बॉर्डर से रिलेटेड हमने कुछ जो यहां पे बस सर्विस होती हैं जो नेपाल को जा रही हैं दिल्ली से, तो उनसे यहां पे हमने बात करी है और उनके अकॉर्डिंग हमने देखा है कि किस प्रकार से यहां पे जा सकते हैं कौन लोग और कौन लोग नहीं जा सकते या फिर किस प्रकार से जा सकते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वो रिकॉर्डिंग ही सुन लेते हैं। नेपाल के लिए बस चालू हो गई है क्या? नेपाल हेलो आ रही है जी। अच्छा चालू है, कोई इशू नहीं आ रही है? मतलब मैंने अपने को वहाँ जाना हो तो नेपाल में आईडी कौन सी है आपकी? आईडी इंडिया की है। इंडिया की आईडी वालों को नहीं जान दे रहे अभी ऐसा सर? अच्छा कुछ मेरा लाइक वहाँ पे क्या मेरे फ्रेंड की यानी शादी के कारण मेरे को जाना है। हाँ तो उसके यानी अपने कुछ यहाँ से डॉक्यूमेंट करवा ले तब पॉसिबल होगा? हाँ कोई डॉक्यूमेंट मंगवा लोगे तो पॉसिबल हो जाए। डॉक्यूमेंट में क्या मंगवा लो सर, एक बार आइडिया दे दीजिए मुझे। डॉक्यूमेंट में आप देख लो, उसको बोलो भी मेरे को आना है शादी में आना है तो पैसे आऊँ मैं बॉर्डर पे, जो आने नहीं दे रहे इंडियन आदमी को। हाँ। बॉर्डर पे कुछ लिखवा लो ना, एक लेटर टाइप की ऐसे ऐसे मेरी मैरिज है, मेरे फ्रेंड है नेपाल में रहते हैं अभी दिल्ली में इंडिया में है, तो शादी में आना चाहते हैं तो उनको परमिशन दी जाए या बॉर्डर पे जाकर उनसे बात कराना। अच्छा तो इंडियन लोगों के लिए कब से चालू हो रहा है सर चाड़िया दे पाओगे? शादी कब है? शादी सर एक्चुअली 17-18 अक्टूबर का है। मैं सोच रहा हूँ 17 अक्टूबर को वहाँ पहुँचने के लिए। 17 अक्टूबर नवम्बर। अच्छा नवम्बर को 15 तारीख के बाद शायद देखो चालू हो जाए। अच्छा अच्छा बाकी अब कंफर्म तो 15 को पता ही चलेगा होली से दिवाली के बाद। वो भी सीन है सर। तो जैसा कि रिकॉर्डिंग से पता चल रहा है कि किनके लिए अभी खुला है और किनके लिए 15 नवंबर के बाद खुलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल जाए।